काम करने के लिए आते हैं उन लोगों को नजफगढ़ में जो फिरनी चौक है, फिरनी रोड है, वो क्रॉस करके दिल्ली गेट आना पड़ता था। उसकी वजह से वहाँ इतना बुरा ट्रैफिक जैम लगता था फिरनी चौक के ऊपर। अब ये धांसा बस स्टैंड बन जाने की वजह से लोगों को ये चौक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो डेली का बस, हालांकि रूट 1.25 किलोमीटर का ही है, लेकिन ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका कि लोगों को वो चौक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लोग रोज़ जो दिल्ली आते हैं वो धांसा बस स्टैंड से ही मेट्रो ले सकते हैं और दिल्ली आ सकते हैं। तो लगभग 50 के करीब गांव के लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का, वहाँ से भी डेली बहुत सारे लोग दिल्ली नौकरी करने के लिए आते हैं, उन लोगों को भी इससे बेहद मदद मिलेगी। मुझे याद है 2015 फरवरी में दिल्ली के जब चुनाव हुए थे, उन चुनावों के प्रचार के लिए जब मैं इस इलाके में जाया करता था तो लोगों की डिमांड थी कि जी ये 1 किलोमीटर का सेक्शन है, एक स्टेशन और यहाँ बनना चाहिए। हमने उनको प्रॉमिस किया था और सरकार बनने के कुछ महीनों के अंदर ही हमने ये वाला जो स्ट्रेच है और ये धांसा बस स्टैंड है, ये दिल्ली सरकार ने अप्रूव किया था। केंद्र सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया, हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। और आज इस मौके के ऊपर मैं दिल्ली मेट्रो के सभी कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को, इंजीनियर्स को, मंगू साहब की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खासकर केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरी दिल्ली मेट्रो, केवल यही स्ट्रेच नहीं, पूरी दिल्ली मेट्रो की जो जर्नी है, इस पूरी यात्रा के अंदर जिस तरह से दिल्ली के लोगों का केंद्र सरकार ने सहयोग किया है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नजफगढ़ के लोगों को और पूरे दिल्ली की जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। धन्यवाद माननीय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि वो इस शुभ अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मेरे सहयोगी, मेरे मंत्रालय में MOS श्री कौशल किशोर जी, गहलोत जी, परवेश जी, मिनिस्टर ऑफ जापान डॉक्टर मंगू सिंह जी, और मंगू सिंह जी आपके द्वारा सारे DMRC के जो सीनियर मैनेजमेंट है और सब हमारे साथी जिन्होंने, ये छोटी स्ट्रेच है पर मैं समझता हूँ बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेच है, बिकॉज डिस्टेंस वाइज इट अपियर्स ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, पर जैसे अरविंद जी ने कहा, दुर्गा शंकर जी ने उससे पहले कहा कि दिस मीट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड इट ऑल्सो इन सम रिस्पेक्ट्स चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ डेली मेट्रो, बिकॉज देन इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग आउटरीच एंड मोबिलिटी टू दोज पार्ट्स ऑफ द आउटलाइंग रूरल एरियाज एंड विलेजेस, एंड आई एम पर्टिकुलरली हैप्पी फॉर दिस, सो आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट एवरी वन। जो दिल्ली मेट्रो की का इतिहास देखें, जिसको आप उसकी जर्नी बताते हैं, इट हैज इन एवरी रिस्पेक्ट बीन अ ट्रेल ब्लेजर फॉर द मेट्रो सिस्टम इन इंडिया। पर मैं बधाई इसलिए भी देना चाहूंगा कि महामारी के पहले आपकी राइडरशिप शायद एक दिन में 65 लाख हो गई थी, 65 लाख राइडर्स इन अ डे, एंड आई थिंक द टोटल राइडरशिप इन द कंट्री 85 लैक्स, आउट ऑफ विच 65 लैक्स अ डे वॉज अकाउंटेड फॉर बाय दिल्ली मेट्रो अलोन। नमस्कार, मैं हूं आरी।